बात करेंगे भाजपा के सदस्यता अभियान के सह संयोजक और चित्तौड़गढ़ सांसद चंद्रप्रकाश जोशी जयपुर में आज होने वाली सदस्यता अभियान की बैठक में भाग लेंगे। भाजपा के सदस्यता अभियान में इस बार पार्टी स्तर पर कई बड़े बदलाव भी किए गए हैं। पिछली बार राजस्थान में पार्टी ने मिस्ड कॉल से भी सदस्य बनाए थे और दावा किया गया था कि भाजपा ने 80 लाख सदस्य बनाए हैं, लेकिन इस बार मिस्ड कॉल से सदस्य बनाए जाने के बाद मैनुअल आवेदन भी भरवाया जाएगा। भाजपा का सदस्यता अभियान शुरू होने वाला है, उससे पहले गाइडलाइन में कई सारे चेंज भी करने की कोशिश की जा रही है। जिस प्रकार से दिल्ली में बैठक हुई उसमें राष्ट्रीय संयोजक सह संयोजक जो भी शामिल हुए सभी को निर्देश दिए गए थे कि जिस प्रकार से पहले मिस कॉल से सदस्य बनाए गए उसमें काफ़ी चेंज करना है। हमारे साथ में राजस्थान के सह संयोजक हैं सांसद चंद्रप्रकाश जोशी। देखिए, पिछली बार जो मेंबरशिप सदस्य अभियान था पूरे देश भर में 11 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी, लेकिन उसमें कई बार सब लोगों ने मिस कॉल करके उसमें सदस्यता मेंबरशिप ली थी, तो कई लोगों ने अपनी सिम चेंज कर ली, कई लोगों ने अपना नेटवर्क चेंज कर लिया, तो इस वजह से उनका डेटा पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। तो इस बार पार्टी ने निर्देश दिए हैं कि सदस्यता अभियान में मिस कॉल के साथ हमारा मैन्युअली भी फॉर्म भी भरना होगा ताकि उसका डेटा पार्टी के पास रहे। इस प्रकार अपन देख रहे हैं कि अभी और चेंज भी करने हैं, गाइडलाइन में बहुत सारे चेंज करने हैं, और क्या चेंज है जो सदस्यता अभियान में इस बार चेंज करने जा रहे हैं आप? देखिए, प्रमुख रूप से जो हमारा मैन्युअली फॉर्म भरने के अलावा पार्टी ने तय किया कि हम जिन बूथों पर हम लोग हारे हैं या कमज़ोर रहे हैं उन बूथों पर टारगेट करके वहाँ पार्टी को मजबूत करना। दूसरी बात, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को लगभग 18 करोड़ वोट मिले थे और इस बार 22 करोड़ 5 करोड़ लोग वोट ज़्यादा मिले हैं, तो कैसे जो एक बार पार्टी के साथ जुड़ा है उसको अपना हमेशा के लिए पार्टी का परिवार का सदस्य बनाना। नवाचार की बात करें तो चित्तौड़ में क्या नवाचार करने जा रहे हैं, प्रदेश स्तर पर किस प्रकार का नवाचार हो सकता है? दूसरी बात करें इस बार का लक्ष्य कितना रखा? देखिए, पूरे प्रदेश में 11 लाख का लक्ष्य रखा गया है और हम सब लोगों का प्रयास रहेगा कि इस लक्ष्य को बहुत जल्दी, हमारी जो टाइमलाइन है 6 जुलाई से मेंबरशिप अभियान सदस्य अभियान शुरू होगा, 11 अगस्त तक चलेगा, तो स्पेशली हमारा टाइम बाउंड प्रोग्राम है तो इसको हम लोग समय से पहले पूरा करने का प्रयास करेंगे। अंत में सिर्फ एक बात जानना चाहेंगे, जब अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब और आप कहीं कमी खलेगी? देखिए, अमित शाह जी ने इस पार्टी को सर्वोच्च पर पहुँचाया है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाया है, तो आज उनके सहयोग से ही माननीय वर्तमान हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जेपी नड्डा साहब उस काम को और उन सब लोगों के सहयोग से आगे बढ़ाने का काम करेंगे और सब लोगों के सहयोग से मैं मानता हूं पार्टी उससे और अधिक मजबूत होगी। ये थे सांसद चंद्रप्रकाश जोशी, इनका साफ शब्दों में कहना है कि कहीं ना कहीं जेपी नड्डा उस कमी को पूरी तो करेंगे लेकिन अमित शाह ने जो कुछ किया वो याद तो रहेगा। कैमरा पर्सन नगेन्द्र कुमार, पी के अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, चित्तौड़गढ़।